आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा शासन काल में किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर, कर्मचारी सब परेशान हैं और क्षेत्र की सड़क सब खराब है, सभी परेशान हैं और भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर ही दूर हो पाएगी। समाजवादी पार्टी के शासन काल में ही विकास होगा और सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। उक्त बातें न्यूज 9 भारत के जिला संवाददाता अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव से प्रेस वार्ता में वरिष्ठ सपा नेता व यूजन सभा के जिला उपाध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव ने कही। देखे जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत के लिए जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, हमें अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, कुछ जगह पे वोटिंग हो चुकी है। पूर्वांचल की बात करें तो 3 मार्च को यहां भी चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी सिंबल को लेकर क्षेत्र में अपने लुभावने वादों के साथ सभी लोगों के बीच में जनता में आम तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आलापुर विधानसभा में। ये ऐसा चर्चित विधानसभा है आलापुर है, जहां पे सुर्खियों में हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यहाँ से त्रिभुवन दत्त को अखिलेश यादव ने अपना समर्पित प्रत्याशी बना के साइकिल चुनाव निशान के साथ आलापुर विधानसभा में भेजा है। उन्हीं के कैंडिडेट, उन्हीं के एक नेता हैं जो काफ़ी संघर्षशील हैं, अपनी कम उम्र में एक अलग अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं युवा सपा नेता हैं विनीत श्रीवास्तव। आइए हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, कैसे इनका चुनावी सफर रहा है, आगे क्या चुनावी रिजल्ट क्या होगा। आइए हम बात करते हैं विनीत श्रीवास्तव जी से। नेता जी, आपका हमारे चैनल बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नेता जी हमको ये बता दीजिए कि 2022 का चुनाव चल रहा है, 3 मार्च को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आना है, आपको चुनाव का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। आप ये बता दीजिए, आपके सामने वर्तमान में बीजेपी सरकार है और इनकी पुत्रवधु अनीता कमल भी चुनाव जीती थी, विधायक भी रही हैं और पूरे क्षेत्र का विकास की हैं। ये आम जनता यहाँ की कह रही है कि उन्होंने शौचालय घर घर दे करके श्रम कार्ड से पैसा दे रही है, कन्या वो क्या कहते हैं राशन फ्री में महीने में 2-3 बार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि हर सरकार महीने में एक बार देती थी, हम 2-3 बार दे रहे हैं। इन सब विषयों क्या कहते हैं आप, इनका चुनावी मुद्दा कैसा है, बीजेपी को समर्थन ज़्यादा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? देखिए, जनता इनके लुभावने वादे से सब त्रस्त है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17 तक, तो उसमें हर क्षेत्र में हर वर्ग को लिए हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हर वर्ग के लिए काम किए थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए टैबलेट लैपटॉप, कन्या विद्याधन बच्चियों के लिए, चिकित्सा के लिए 108 102, चाहे पुलिसिया व्यवस्था बनाने के लिए डायल 100, अब 112 के नाम से बाबा मुख्यमंत्री कर दिए हैं। और सबसे आलापुर की विधायक सबसे भ्रष्ट विधायक, सबसे फेल विधायक यहीं आलापुर की अनीता कमल जी हैं, इनके कार्यकाल में कोई पहचानने वाला नहीं है। और उम्र आपकी बहुत कम है और समाजवादी पार्टी की यूजन सभा के आप जिला उपाध्यक्ष पद पे हैं, ये लोगों का कहना है कि विनीत श्रीवास्तव काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जा रहे हैं और क्षेत्र में काफ़ी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं आप और युवा आपके साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है और कायस्थों की संख्या देखी जाए तो उस तरीके से नहीं है, फिर भी आप एक अलग पैठ अपनी किस प्रकार से आप बना रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से अपने मन अपने फेवर में करें, कौन सा ऐसा संजीवनी दे रहे हैं कि इतनी कम उम्र में जहाँ आपको पढ़ना चाहिए लेकिन फिर आप समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि कम समय में आपने समाजवादी पार्टी के जिले स्तर के पदाधिकारी बने और फिर इतना बढ़िया सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आप क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप इनकी नैया पार करेंगे त्रिभुवन दत्त जी की? देखिए, हमें जब पढ़ाई कंप्लीट करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कामों को देखकर हमें लगा कि हमको समाजवाद का अलग जगाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहना चाहिए, इसलिए
हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये भी नहीं है, हमारा कोई अलग दल से कभी मिलान नहीं रहा है और जब से हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं? लगभग हम 8 वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगभग 8 वर्ष हो गया है। त्रिभुवन दत्त जी की लगभग कितने मतों से यहाँ से विजयी हो सकते हैं? लाखों वोट से माननीय सांसद जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय त्रिभुवन दत्त जी लाखों वोट से विधानसभा में जाने काम करेंगे। आपके समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बहुत लोग दावेदारी कर रहे थे और फिर उसमें से त्रिभुवन दत्त कहीं ना कहीं से आ रहा है कि त्रिभुवन दत्त जी बसपा से आके टिकट ले लिए, तो क्या सारे दल के लोग आपस में सामंजस्य बना के त्रिभुवन दत्त जी का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है और टिकट मांगना सबका अधिकार है, ये नेताजी कहते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जिसको टिकट मिल गया वो सब लोग, चाहे कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट उनके साथ रहकर जिताने का काम करेंगे। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और यहाँ से जो भी विधानसभा में जीतेगा, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी अगर त्रिभुवन दत्त जी यहाँ से जीतते हैं भारी मतों से, तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन सरकार बना पाएंगे या पूर्ण बहुमत से? देखिए, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि त्रिभुवन दत्त की लड़ाई या समाजवादी पार्टी यानी आपकी लड़ाई किस दल से आप मानते हैं हालापुर में? अभी तक तो किसी दल से नहीं समाजवादी पार्टी की लड़ाई, कोई दूर दूर तक कोई न भाजपा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।